वो मैच जब भारत के खिलाफ जयसूर्या ने खेली थे 340 रनों की पारी, टीम ने बनाए थे 952 रन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताने वाले हैं जिस मैच में श्रीलंका की टीम के बाद में खिलाड़ी जयसूर्या ने ताबड़तोड़ धुआंधार पारी खेली थी और मैच को ड्रॉ कर लिया था। इंडिया और श्रीलंका के बीच ये मैच 1997 में खेला गया था। इस मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन के शतक के बाद टीम इंडिया 8 विकेट पर 537 रन बना पाई थी। इतना विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम हार नहीं मानी। इस स्कोर के बाद टीम इंडिया इसे अपने पक्ष में मान रही थी, जिसके बाद कप्तान ने पारी घोषित कर दी। लेकिन इसके बाद आया जयसूर्या का तूफान। सनत जयसूर्या ने अपनी टीम की तरफ से इस मैच में 340 रनों की खतरनाक धुआंधार पारी खेली थी। इसके साथ ही रोशन महानामा ने भी पार्टनरशिप करते हुए 225 रन बना डाले, जिसके बाद श्रीलंका की टीम 952 तक स्कोर पहुंचा दिया था। जिसके बाद मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और ये ड्रॉ हो गया। इतना जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद सनत जयसूर्या ने भारत के मुंह से इस मैच को छीन लिया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।